वेलकम दोस्तों टू न्यू वीडियो। दोस्तों मेरे पास है तीन स्टडी लैंप। ये दो जो स्टडी लैंप है मैं बहुत पहले से यूज कर रहा हूँ एंड ये स्टडी लैंप को मैं रिसेंटली परचेस किया है। सो लाइट को बंद कर देता हूँ। सो सबसे पहले ये है फिलिप्स की तरफ से, फिलिप्स कॉस्मोस। ये एक पावरफुल रिचार्जेबल लैंप है, मतलब जिसका जो लाइट है वो बहुत ज्यादा स्प्रेड होता है। उसके साथ मेरे पास है ये बजाज की तरफ से बजाज सॉफ्ट लाइट मिनी, और ये है क्रॉम्पटन की तरफ से क्रॉम्पटन रोवेलो। सो ये तीन लैंप का आज मैं एक फ्लिकर टेस्ट बोलो या एंटी फ्लिकर टेस्ट बोलो, ये टेस्ट करने वाला हूँ। एक्चुअली 1000 FPS में वे वीडियो को शूट करूँगा। सो आप लोगों को मालूम चल जाएगा कि कौन से जो लाइट है, मतलब इन तीनों में LED है, सो कौन सा जो लाइट है वो फ्लिकर करता है, कौन सा लाइट फ्लिकर नहीं करता है, ये पूरा वीडियो आपको मिलेगा। सो चलिए हर एक का इंडिविजुअल वीडियो देख लेते हैं कि कौन सा लाइट फ्लिकर कर रहा है। आपने अभी वीडियो देख ही लिया है कि ये तीनों लाइट में से क्रॉम्पटन रोवेलो सिर्फ एक ऐसा लाइट है जो कि मतलब ऐसा फ्लिकरिंग जो इशू है वो दिखाई देता है, इसमें फ्लिकर होता है ये जो लाइट है। 1000 FPS में मैं शूट करके दिखाया। चलो ये जो तीन लैंप है ना, तीन लैंप को एक जगह पे रख के फिर से मैं शूट करके दिखाऊं ताकि आप में से किसी को कोई डाउट ना रहे। दोस्तों आपने वीडियो देखा कि तीनों लैंप को एक साथ रखा था एंड पानी में इसके लिए ऊपर से डाल रहा था ताकि आपको ये समझ में आया कि वीडियो एक्चुअली में स्लो मोशन में शूट किया है, क्योंकि जो नॉर्मल में शूट करके स्लो मोशन करते हैं ना, मतलब उस स्लो मोशन नहीं, मतलब उसको स्ट्रेच कर देते हैं, तो उसमें उतना मतलब पानी ऐसा रुक रुक के गिरेगा, आपको पता चलेगा कि वो मतलब एक्चुअल स्लो मोशन है नहीं। सो इसके लिए मैं पानी डाल के ऐसा बताया, और स्लो मोशन है नहीं है, मतलब नॉर्मल सिर्फ वीडियो शूट करूंगा तो आपको मालूम नहीं चलेगा। सो इसके लिए मैं पानी ऐसे डाल के दिखाया कि हाँ एक्चुअल में स्लो मोशन ही है। बाय द वे इन तीनों लैंप का फ्लिकर टेस्ट किया एंड इनमें से जो क्रॉम्पटन की तरफ से रोवेलो है सिर्फ इसका जो फ्लिकर वाला इशू है वो दिखाई दिया, बाकी दोनों कॉन्स्टेंट है। सो ऐसा कोई बड़ा इशू मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन एक चीज मैं आपको दिखाता हूं। मेरे घर में लगा है फिलिप्स का LED जो ट्यूबलाइट होता है ना, फिलिप्स का वो LED ट्यूबलाइट लगा है, मैं एक बार उसका स्लो मोशन वीडियो आपको दिखाता हूं।
था, फ्लिकर कर रहा है, यस, फिलिप्स का जो मेरा रूम लाइट है या फिर जो ट्यूब लाइट है, जो कुछ भी बोलो उसको, सो वो फ्लिकर करता है। लेकिन यहाँ पे फिलिप्स की तरफ से जो कॉस्मोस लैंप है, मतलब जो रिचार्जेबल लैंप है फिलिप्स कॉस्मोस, इसमें देखो, इसमें जो एलईडी है ये फ्लिकर नहीं करता है। सो फिलिप्स को ये समझ है कि वो रूम लाइट है और ये स्टडी लैंप है, सो दोनों का पर्पस थोड़ा सा अलग है। मैं किसी भी लैंप को बुरा नहीं बोलूंगा, क्योंकि खाली आंख से तो मालूम भी नहीं चलता है किसमें फ्लिकर हो रहा है किसमें नहीं हो रहा है, खाली आंख से कुछ मालूम नहीं चलता है। मालूम चलता है जब भी आप शूट करते हो वीडियो और हाई फ्रेम में शूट करते हो, तभी आपको वो चीज दिखाई देता है। सो इसमें ऐसा दिखाई दिया है, एंड बाकी ये दोनों में ऐसा कोई इशू है नहीं। सो ऐसा कोई मेजर डिफरेंस नहीं बोलूंगा, लेकिन सच्चाई आपको दिखाना था कि ये दोनों में फ्लिकर नहीं होता, इसमें फ्लिकर होता है। फ्लिकरिंग होने से क्या नुकसान है या फिर फ्लिकर ना होने से मतलब क्या फायदा है, ये एक्चुअली मुझे उतना डिटेल में मालूम नहीं है। आप लोगों में से किसी को मालूम है तो नीचे बताओ। मैं एक जगह पढ़ रहा था कि जो लाइट फ्लिकर नहीं होते उसमें उतना मतलब आइस के ऊपर स्ट्रेन नहीं पड़ता है, और जो फ्लिकर होता है उसमें आइस में स्ट्रेन पड़ता है थोड़ा सा। सो मुझे इतना डिटेल में मालूम नहीं है, सो मैं इसके बारे में बात नहीं कर सकता। अगर आपके भी किसी के पास कोई अच्छा सा नॉलेजेबल कुछ है तो आप ईमेल में शेयर कर सकते हो, क्योंकि हर चीज आप कमेंट करोगे वो शायद नहीं दिखेगा। मान लो आपके पास ऑनलाइन कोई आर्टिकल है, सो आप उसका लिंक शेयर नहीं कर सकते नीचे कमेंट में, वो स्पैम में चला जाएगा। सो उससे अच्छा है आपके पास नॉलेजेबल कुछ है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो। ईमेल आईडी है studylamps@gmail.com। सो मुझे भी थोड़ा मालूम चलेगा, एंड अगर कोई लिख के बताना चाहता है तो नीचे कमेंट में भी आप लोग बता सकते हो। बाय द वे, ये जो तीनों लैंप है इसका बेस्ट बाय लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहे तो वो लिंक पर क्लिक करके सबसे अच्छे प्राइस में इसको परचेस कर सकते हैं। बाय द वे अगेन बोल रहा हूँ, मुझे फ्लिकरिंग वाला जो मतलब फ्लिकर जो करता है और जो नहीं करता है उसमें उतना डिटेल मालूम नहीं है एक्चुअल में, इसके लिए मैं ज्यादा कॉमेंट नहीं करूंगा। लेकिन बहुत पहले मेरे पास एक कमेंट आया था, ये लैंप फ्लिकर करता है क्या, बहुत पहले मतलब आज की बात नहीं करूँ, आज से मेरा 3-4 साल तो हो गए होंगे। सो तभी मैं मतलब उतना तभी मैं शायद बता दिया था एक्चुअल में, मुझे याद भी नहीं है, लेकिन अचानक मतलब दिमाग में आया कि हाँ ऐसा भी सवाल लोगों का रहता है। सो मैं ये तीन लैंप को दिखाया कि कौन सा लैंप फ्लिकर कर रहा है नहीं कर रहा है। इन फ्यूचर और मेरे पास जितने सारे लैंप है उसको भी मैं आपके सामने दिखाऊंगा कि कौन से लैंप फ्लिकर करते हैं कौन से लैंप नहीं करते हैं।